बेचने वाले लोग जो शहाबुद्दीन के चरण छुआते हैं जनेऊ से ले जा करके, वो हमारे जनेऊ को अपमानित करते हैं, हमारे जनेऊ को ले जा करके बेचते हैं उनके हाथों में। मुगलों के यहाँ जनेऊ छुआना ये कहाँ का धर्म है? वो तो हमें लग रहा है जो वो लोग ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए ऐसा करना है। तो भाषा का प्रयोग तो नहीं करते थे, पता नहीं क्या कारण हुआ कि ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो सिवान की राजनीति के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। लोगों को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भीख मांगकर अपना जीवन बसर करता है, लेकिन स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता है। और ब्राह्मण, नमस्कार, मैं रफीक अहमद, मैं इस वक्त भाजपा के MLC श्री टुन्ना पांडे जी के साथ में हूँ और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए इनके साथ हम लोग बैठे हैं। अभी अभी जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनके पति हैं श्री अजय सिंह, उनका एक बयान आता है जिसमें ब्राह्मण समाज के ऊपर में कुछ बातें कही जाती हैं जनेऊ को और मुगल से, और बहुत तरह की बातें लांछन लगाने की कोशिश की जाती है। उस पर हम उसी ब्राह्मण समाज से श्री टुन्ना जी आते हैं, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या ये भाषा जो अशोभनीय भाषा है ये कहाँ तक जायज़ है राजनीति में? नहीं, देखिए, ये तो भाषा अशोभनीय है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। राजनीति अपने जगह है, चुनाव लड़ना अपने जगह पर है, और किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके और इस भाषा का प्रयोग करना, मैंने हमें नहीं लगता है कि हम अजय बाबू को तो बहुत दिन से जानते हैं कि वो इस तरह से भाषा का प्रयोग तो नहीं करते थे, पता नहीं क्या कारण हुआ कि ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो सिवान की राजनीति के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। अच्छा, कुछ ही दिन पहले ब्राह्मण समाज के ही कुछ लोग जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि कुछ सांसद के उठे हुए, भाजपा से उठे हुए जो सांसद हैं उनकी बड़ा ही ख़राब भाषा की वजह से थी, जो बताया कि अगर किसी ब्राह्मण समाज से हमारे ऊपर हमला किया तो हम जनेऊ देखकर लोगों को पीटने का काम करते हैं। तो इस भाषा से कुछ लोग नाराज़ थे, और उसके बाद से ये रिएक्शन आता है अजय जी का, क्या मतलब लगता है कि क्या इस तरह की जो भाषा मर्यादित अमर्यादित भाषा जो है राजनीति में एक चलन बनती जा रही है? नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति अगर अमर्यादित भाषा कर रहे हैं किसी वर्ग विशेष के लिए, सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लिए नहीं, चाहे कोई भी समुदाय हो, राजनीति में और चुनाव में जनता ही मालिक होती है, और जनता के सामने उनके वर्ग विशेष को इस भाषा में प्रयोग किया जाएगा तो लाजमी है उस वर्ग के लोगों को आक्रोश होगा, तकलीफ होगा। वो भदोही के कोई हैं सांसद प्रत्याशी हैं बिंद जी, वो इस भाषा का प्रयोग किए थे, सारे ब्राह्मण वर्ग के लोगों को बहुत इस बात का अपार दुख है। दरअसल ब्राह्मण वर्ग के नहीं, वो भाषा अगर किसी वर्ग के लिए भी किया जाएगा तो हर वर्ग के लोगों को इस बात का तकलीफ होगा, इसमें तो कोई नया बात नहीं है, ये भाषा उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये NDA के ही उम्मीदवार हैं अजय जी, उनके पत्नी उठ रही हैं, तो क्या इसके बावजूद भी अगर इस तरह की भाषा, तो क्या NDA में जितने लोग शामिल हैं या NDA में जो लोग नहीं शामिल हैं उनको वोट देने वाले या नहीं देने वाले, क्या उनके ये दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं या दूसरे भी समाज के जैसा आप बता रहे हैं? जी नहीं, देखिए, ये तो दिल में ठेस पहुँचने वाली बात है, मैंने चाह करके भी जितने लोग हैं अगर जो भी व्यक्ति ये भाषा सुनेगा तो उसके मन में दुख तो होगा, वो चाहे किसी वर्ग के हों, ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही नाराज हैं, किसी वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग आदमी जो ये बात सुनेगा तो उसको इस बात को तकलीफ होगा कि चुनाव, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के पहले उनका ये मैंने भाषा जो है, तो ये भाषा पर तो हमको लगता है कोई बुद्धिजीवी आदमी आपत्ति जरूर करेगा सर। लेकिन और ये इस तरह के भाषा के बाद से वोट भी इस पर कन्वर्ट नहीं हो सकता है, या फिर वोट क्या लगता है कि मतलब कुछ जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो परसेंटेज अगर देखा जाए, अगर उनके साथ इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्या ये दूसरे समाज को रिझाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, देखिए, इसमें कोई समाज रिझेगा नहीं, अगर भाषा अगर मैंने असंतोषजनक है, अगर जो भाषा प्रयोग किया जा रहा वो हर वर्ग के लोग उससे नाराज होंगे, सिर्फ ब्राह्मण वर्ग नाराज नहीं होंगे, अगर वो हर वर्ग के लोग इस भाषा से नाराज हैं कि भाई ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए राजनीति में, ऐसा कहना चाहेंगे आप अजय जी को, अगर आपको इस अभी इस के जरिए हमारे चैनल के जरिए क्या बताना चाहेंगे, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना? नहीं, देखिए, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो हमसे सीनियर हैं और
दरअसल हमसे बहुत पुराने राजनीति में रहे हुए हैं, हमें तो आशा भी नहीं था कि वो इस भाषा का प्रयोग करेंगे, पता नहीं क्यों उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो समझें, लेकिन इससे है कि हम लोग समाज के लोग चाहे हर वर्ग के लोग तो नाराज़ हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है लोगों को, हम देख रहे हैं जो लोगों की अति हो रही है, हम सारे लोग उन लोगों को मनाएंगे भी, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, इस बात नहीं किया जाए, तो पता नहीं वो समझें अपना काम उनका वो है, हो सकता है इसी भाषा में वो लड़ना चाहते हों तो उनका अपना लड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम लोग का ना भाषा है ना हम लोग ऐसा लड़ने के लिए किसी को सलाह देंगे राय देंगे, हम लोग चाहेंगे सब लोग मिल करके ही चुनाव लड़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ब्राह्मण पतल चट्टा हो गया था, फिर अभी ब्राह्मण मुगल हो गया, अभी ब्राह्मण मुगल हो गया, तो समझ में नहीं आता है कि आखिर सिवान में ऐसा क्यों हो रहा है, सारे लोग कोई मुगल हो गया तो फिर क्या नाम है पतल चट्टा हो गया, कोई कुछ हो गया, अब ब्राह्मणे को ही टारगेट किया जा रहा है, सबसे बड़े दुख की बात है, ऐसा क्यों किया जा रहा है हमको तो ऐसा कहने का मकसद तो नहीं है कि जो उनके साथ हैं वही असली भारतीय हैं, जो नहीं उनके साथ चाहे वो किसी समाज के हो वो भारतीय ही नहीं। देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर दल में हर वर्ग के लोग रहते हैं सर, एकदम हमारे क्या भारतीय जनता पार्टी में मुगल लोग हैं कि नहीं, हम तो अजय बाबू से बहुत अच्छे ढंग शालीनता से कहेंगे कि जिस पार्टी से अजय बाबू आते हैं है अगर अजय बाबू का थोड़ा सा भी तो अपने पार्टी के जो सीनियर हैं नीतीश बाबू उनसे पूछें कि उनके दल में क्या मुगल लोग है कि नहीं, मुगल लोग हटा दें अपने दल से, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी को लोग जो बार बार बदनाम करता है कि हम लोग एक इस दल के नेता हैं, लेकिन हम लोग के दल में मुगल लोग हैं कि नहीं सो बताइए, हम लोग तो हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का ही आदेश है कि सबका साथ और सबका विकास, हमारे हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, तो चाहे हर पार्टी हो कोई पार्टी हो। जी सर, तो ये थे श्री टुन्ना पांडे जी जो अजय सिंह जी के एक बयान पर अपना इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। अब हम लोग देखेंगे 12 मई को इलेक्शन है, 23 मई को रिजल्ट आना है, उस दिन पता चल जाएगा कि सिवान की जनता किस तरह के भाषा को पसंद करती है और किस तरह की राजनीति को सिवान की जनता ने वोट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।